हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार से नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे के साथ। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने लिया है हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको छान के लिया है और आपको भी इसे छान के लेना है। और यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर अपना आटा को ट्रांसफर करेंगे। वेट नहीं, ये आटा हमारा 150 ग्राम था और नाप में एक कटोरी है, आप कब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, कितना डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो चाय वाला चम्मच होता है, ये हम इसके अंदर 3 चम्मच डालेंगे। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ती बनेगी और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इस तरीके से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी बांधने पे बंद रहा है तो समझ जाइए इसके अंदर ऑयल बिल्कुल सही पड़ा है। तो आप इसमें घी और बटर भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। और अब यहाँ पे हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा टाइट लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। और हल्का हल्का पानी डाल के लगाएंगे, एक साथ पानी डाल के गलती मत करना, नहीं तो डो आपका गीला हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर कितना पानी लगेगा। और इस आटे को हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं है, इसको हमें इस तरीके से मोड़ के यानी इकट्ठा करके 5 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मोड़ लिया है और इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में सिर्फ 1 हिस्सा यूज़ हुआ है और बाकी हमारा पानी बच गया है। तो अगर आपका छोटा कप है तो आपको आधा कप लग जाएगा। अब इस आटे को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये फूल जाए, तब तक हम दूसरा काम करेंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, ना इसके बीज निकाले हैं ना ही इसका जूस निकाला है। फिर इसके बाद एक मीडियम साइज की प्याज लिया जिसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 कलियाँ लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको भी हटा सकते हैं। फिर मैंने 1 इंच का अदरक लिया जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, अदरक ज़रूर डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली जिसको हम इस तरीके से तोड़ कर डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। फिर इसके बाद हम क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे सौंफ जो टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ पेट को ठंडा भी रखती है। तो यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून तक सौंफ डालेंगे, मोटी वाली। और अगर आपके पास सौंफ ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च जो इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी ही डालनी है, 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई अमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1 से 2 बूंद ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, बस 1 से 2 बूंद। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि प्याज और टमाटर में खुद का पानी होता है। तो चलिए पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा रखना है इसको, बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा इसको पतला रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस गया है। और यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था तब भी ये पीस गया क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है। अब इसको हम साइड में रख देंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे, कैसे आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है 3 आलू जिसको मैंने बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है। तो आलू को गर्म इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में, ठंडा करके ही लेना है। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है, तो मेरे छोटे छोटे आलू थे इसीलिए मैंने 3 लिए। अगर आपका बड़ा आलू है तो आप 1 लेना। अगर आप आलू नहीं खाते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर आलू का इस्तेमाल किया है। और आलू को बॉईल करते समय ख्याल रखना कि आलू को छिलके के साथ ही बॉईल करना, छिलका मत निकालना। अगर आप छिलके के उतार के इसको बॉईल करते हैं तो इसके अंदर पानी चला जाता है और आलू चिपचिपा हो जाता है। तो अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें सोया बड़ी भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बातों ही बातों में आलू को मैंने छील लिया है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। ये देखिए आलू हमारा छिल गया है, अब इसको हम ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम किस तरीके से ग्रेट करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो ग्रेटर होता है सबसे बारीक वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे। आलू को इस तरीके से हम ग्रेट करेंगे, इससे हमें बहुत ही अच्छे से लच्छे मिल जाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लच्छे मिल रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हम तीनों आलू को फटाफट ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैश कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे आलू में, आपको अच्छे से इसको मैश करना है। तो मैं तो इसे ग्रेट करके ले रही हूँ, और आपसे भी कहूँगी कि आप ग्रेट करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा रेसिपी में। और जो थोड़ा सा आलू बच जाता है इसको आप निकाल कर साइड में रख दीजिए, सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या क्या आइए आपको बताते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रीन चिली नहीं खाता है, तो आप इसको हटा सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ों का, हरी मिर्च और अदरक का। फिर थोड़ा सा सौंफ डालेंगे 1/2 टीस्पून तक। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, मसालों में बहुत ही बेसिक से मसाले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1 से 2 चुटकी। फिर इसको चटपटा बना लेके इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी भी डाली है इसीलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग कितनी डालनी है, 1 से 2 चुटकी, बस ज़्यादा नहीं डालनी है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक करके डाला है, आपको भी ऐसे ही डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पनीर। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो पनीर डालने से ये प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच डाला है, अगर आपका छोटा चम्मच है तो आप सिर्फ इसमें 4 चम्मच डालना। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर आप इसमें चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मेरे घर में चीज़ इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं इसके अंदर पनीर डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चख लिया है, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा गए हैं और बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा बना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है और अच्छे से निकल के आए। और यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल दीजिए। और इस तरीके से इसके ऊपर इस तरह से कर देंगे, इससे क्या होगा ऊपर का आलू बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग हमें ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 1/2 टीस्पून डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चने की दाल। तो यहाँ पे चने की दाल जो हमें डालनी है वो हम कच्ची ही डालेंगे, भून के नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है और इस तरीके से डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसमें धुली हुई उड़द की दाल डाल देंगे 1 चम्मच छोटा वाला। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर दाल को अच्छे से हल्का सा सुनहरा होने तक पका लेंगे। जब इस तरीके से ये उछलने लगेगी तब ये जो हमने पेस्ट पीस के रखा था ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा का सारा। और पेस्ट डाल के हम अच्छे से इसको 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। तो जितना भी मिक्सी में लगा है वो हम सारा का सारा निकाल लेंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ गई है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया जो हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है।
और थोड़ा सा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा, एक से दो चुटकी। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से पका लेना है, यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब गैस पे फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे चाट मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें 1 बूंद ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा सा डालना है, 1 से 2 चम्मच, और इसको पहले मिक्स कर लेना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। फिर इसके बाद हम इसमें और पानी डालेंगे। यहाँ पर जो हम बैटर बना रहे हैं बहुत ज़्यादा ना हमें गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला, कैसा रखना है वो हम आपको बताएँगे। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें और पानी डालेंगे। ये देखिए, तो इसमें मैंने 1 गिलास में 1/2 गिलास पानी डाल दिया है, 1/2 गिलास पानी हमारा बच गया है। यहाँ पे जो हमने बैटर बनाया है बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तो 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, तब तक इसे साइड में रख देते हैं जब तक ये फूलेगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं है, वो सेहत के लिए हानिकारक है बेकिंग पाउडर या सोडा, वो पेट को फुला देता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल ना कीजिए, 2 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, ये बेहतरीन। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो जो इसमें एयर होगी वो निकल जाएगी, और दूसरी बात आटा हमारा बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और खस्ता बनेगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता बनाते हैं तब तो कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि आप आटे का जो डो का एयर नहीं निकालते हैं, उसको निकालना ज़रूरी है। अब इसको हम इस तरीके से चकले पर रख लेंगे, और अब हम इसको इस तरह से रखने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे, अंगूठे का जो मोटा वाला होता है, और इस तरीके से आगे की तरफ करेंगे और पीछे के करेंगे। ऐसा हम 3 से 4 बार करेंगे, इससे आटे की जो एयर होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप इसको आसानी से फैला पाएंगे। तो यहाँ पे जो किनारा है उसको हमें छोड़ देना है, और किनारों को छोड़ के इसके ऊपर आलू का मसाला लगाना है। आलू का मसाला आप जितने अच्छे से लगाएंगे उतना ही चटपटा नाश्ता हमारा बनकर रेडी होगा। तो आलू का मसाला लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, और आप इस मसाले में और भी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शेजवान चटनी ऐड कर सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर पनीर डाला है और बेसिक से मसाले डाले हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही चटपटा सा बनेगा। तो मैं कोई भी चटनी इसके अंदर नहीं लगा रही हूँ। अब इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरीके से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो ये साइड वाला हिस्सा है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम आटे में डाल के फिर से गूंदेंगे और यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इतनी इतनी दूरी पर, 1-1 इंच की दूरी पर इसको कट करना है। ये देखिए अब हम इसको ऐसे उठाएंगे
और इसको हम इस तरीके से हथेली पे रख के हल्का हल्का सा गोल करेंगे और फिर इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख के चपटा कर देंगे। ये देखिए कितना ज़रा सुंदर सा लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ। इस तरह से लेना है और इसको हल्का सा गोल कर लेना है और इस तरीके से फ्लैट कर देना है। ये देखिए कितना ज़रा सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से हम सारा कर लेंगे फटाफट। तो आप इसे किसी और शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको फोर एंगल में बना सकते हैं, यानी आप जो हमने गोल बेला है आप उसको फोर एंगल में बेल के कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको कर लेना है। यहाँ पे आप आलू का मसाला जितने अच्छे से लगाएंगे उतना ही खाने में मज़ा आएगा आपको। ये देखिए और अब ये जो हमारा घोल था जिसको हमने रेडी करके रखा था ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और फूल गया है और इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और इसको इस तरह से पलटेंगे एक से दो बार। ये देखिए और अब यहाँ पे हमने सूखा चावल का आटा ले लिया है, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब के ऊपर भी रख सकते हैं और अब हम इसको इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम इस तरीके से झाड़ देंगे। ये देखिए और इसको हम इस तरीके से प्लेट में रख लेंगे। चलिए आपको दूसरा भी करके दिखाते हैं। इस तरीके से लेना है, घोल के अंदर डालना है और इसको एक से दो बार करना है ताकि जो हमारा घोल है बिल्कुल अच्छे से लग जाए। और फिर इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे, सूखे आटे में डालेंगे और इस तरीके से हम इसको एक से दो बार घुमा लेंगे। और फिर इसके बाद इस तरह से घुमाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम इस तरीके से झाड़ देंगे। ये देखिए इसके ऊपर रख के दिखा रहे ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए और इस तरीके से रख लेंगे, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। आप इस तरह से बना के इसे हवावन डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान आए आप निकाल के बना सकते हैं। अगर आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन रात ही में करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे वाइट ब्रेड, जो मैंने यहाँ पर 5 स्लाइस लिया है, मेरी स्मॉल वाली है। अगर आपकी लार्ज वाली है तो आप इसमें सिर्फ 3 स्लाइस डालना और इस तरीके से हम इसके अंदर तोड़ कर डाल देंगे और इसका हम ब्रेड क्रम्ब रेडी करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि ब्रेड क्रम्ब हमारा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए और यहाँ पे हमें इसकी साइडों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसको ऐसे ही मोटा मोटा तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि हमको उसका ब्रेड क्रम्ब ही बनाना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिना कुछ डाले हम इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको मैंने बना लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, इस तरह से ज़रदा रखा है। अब इसको हम निकाल लेंगे सारा का सारा। आप चाहे तो मार्केट वाला भी ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है और ब्रेड क्रम्ब भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे सूजी या फिर पोहे को भी बारीक करके ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा घोल था उसके अंदर इसको डालेंगे फिर से और इसको निकाल लेंगे और इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखेंगे और सूखे हाथों से इसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग करेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से बना कर इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकाल के फटाफट रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रखना है और जो सूखा हाथ होगा उसके ऊपर इस तरीके से लगाते हुए चारों तरफ से कोटिंग कर लेती हैं। ये देखिए कितनी ज़रा खूबसूरत लग रही है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको इस तरीके से झाड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम फटाफट हाथों से भी कर सकते हैं, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस तरीके से हाथों से डाल के एक से दो बार डीप कीजिए और इस तरीके से निकाल के सूखे हाथों से कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट सारा। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पर तवा भी ले सकते हैं या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच तेल रखा है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं रखा, और इस तरीके से पूरे पैन में फैला लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई या स्लो फ्राई जो कुछ चाहे कर सकते हैं। तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसको डालेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, नहीं तो ये अच्छे से कुरकुरा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे और डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे और 2 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ख्याल ये रखना है कि एक बार में उतना ही डालना है जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। बहुत सारा डाल देंगे तो पलटने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं फिर उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको कुक होते हैं। अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के लिए इस तरीके से हम कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल कर लेंगे और नाइफ ले लेंगे, इस तरीके से पलट देंगे। देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है
और कितना ज़्यादा ये खस्ता लग रहा है। आपका रिजल्ट भी ऐसे आएगा अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाया। तो यहाँ पे बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई या सलो फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समोसा कचौड़ी खाने के शौकीन हैं और अगर आप उसे ऑयली की वजह से नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो डीप फ्राई होते हैं, हेल्दी नहीं होते, तो आप इस रेसिपी को आराम से इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम तेल की है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल इसको बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। बस आपको ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो ये अच्छे से कुरकुरे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से भी पकते हुए, चलिए टर्न करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोनों ही साइड बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे प्लेट में, देखिए कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। और दोबारा बनाने के लिए हमें तेल डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो तेल हमारा है उसी में हम ये दोबारा भी बना लेंगे। बस आपको ख्याल ही रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अपना हम बाकी बचा भी नाश्ता बना लेते हैं। ये देखिए एक बार में बस उतना डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका पैन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारा बना सकते हैं। तो चलिए बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है। ये देखिए और सारे हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। और मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी अंदर से कितने अच्छे से कुक हुआ है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिले। और इसको मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इसकी चटनी के साथ एक बार नाश्ते को चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ छोटी मोटी पार्टी में बना सकते हैं। जितना ज़्यादा क्रिस्पी है उससे ज़्यादा ये हेल्दी है और बहुत ही कम तेल में बना है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे इन्जॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। और आप हमारी रेसिपी कहाँ से लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इस मज़ेदार से नाश्ते को इन्जॉय करने। और देखिए कितने बराबर से कुक है और यहाँ पे स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से फिल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।